पेट मथर पास सड़क पर आया मलबा, 6 से ज्यादा गांव की आवाजाही ठप हो गई है। तो चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आफत की बारिश देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी बारिश के बाद किस तरह से मलबा बहकर सड़क पर आया है। कुहेड़ मथरपाल सड़क पर यह मलबा आया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 से ज्यादा गांव की आवाजाही ठप हो गई है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते ऊंचे इलाकों से, पहाड़ी की ऊंची चोटियों से ये मलबा नीचे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, सड़कों तक पहुंच रहा है, जिससे आवाजाही और लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई। तो चमोली की यह तस्वीरें आफत का सबब बनी बारिश, देखिए किस तरह से लोग जो सैलाब है उसमें घुसकर सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हो रही बारिश के चलते अब लोगों के घरों में भी मलबा घुस रहा है, सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, सड़क बंद होने से आवाजाही पूरी तरह से ठप है। तो चमोली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आफत का सबब बनी है बारिश। भारी बारिश के बाद सड़क पर मलबा आया है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। दोनों ही तरफ से रास्ता बंद हो गया है, जिससे 6 से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से भी भारी बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी, ऐसे में लोगों से भी सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें, तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है, उसकी वजह से मलबा लोगों के रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है, एक सड़क बंद हुई है, कितनी महत्वपूर्ण यह सड़क है, कैसे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मानसून सीजन में लगातार जो बारिश है वो लोगों की परेशानी लगातार बढ़ाता जा रहा है। और जो आज की अगर बात करें तो कुहेड़ मथरपाल एक सड़क है जो लगभग एक दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाली और महत्वपूर्ण सड़क है, और इस सड़क से लगभग 3,000 से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं इस क्षेत्र में। तो सड़क बंद होने के चलते कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस जगह पे ये घटना हुई, इस जगह पे लगभग 8 से 10 परिवार लोग रहते थे, लेकिन लंबे समय से यहाँ पे इस तरह के लगातार मलबा आ रहा है, तो जिससे लोगों ने अब अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र शिफ्ट हुए हैं। तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को जो मुआवजा होता आपदा के तहत जो भी चीजें उनको होती उनके मदद की जाए, और प्रशासन से भी लोगों ने सड़क खोलने की अपील करी है। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और श्रावस्ती से बड़ी खबर, श्रावस्ती में भारी बारिश से आफत, बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इकौना नगर में सड़कें बनी तालाब, जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें श्रावस्ती से, जहां पर भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इकौना नगर में सड़कें तालाब बनी है, ये तस्वीरें आप देखिए, लोगों के घरों में, ऑफिस में महज कुछ घंटों की बारिश के बाद पानी भर गया है, और लोग इन्हीं बारिश से भरी हुई सड़कों के बीच से निकलकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और मिर्जापुर से बड़ी खबर, चौकी प्रभारी और दुकान